हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टोपर ज्ञान एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपका एयरफोर्स में जो आपका रिजल्ट और इनरोलमेंट लिस्ट हो रहा है, इसमें आने वाली बाधा टूर ऑफ ड्यूटी क्या है। आप सभी ने एक वायरल ऑडियो सुन लिया होगा, नहीं सुना होगा तो आप लोग सुन लें। और यहाँ पर 5 साल 10 साल 15 साल वाली रिटर्न वाली वाली क्या बात है, एक बार सुन लें, उसके बाद हम यहाँ पर आपको एक मिनट। हेलो सर, नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्कार। कैसे सर? बिल्कुल बढ़िया, बताओ क्या हाल चाल है। बहुत बढ़िया सर। बाहर ऑफिस में हो? नहीं, ऑफिस में ही सर। बताओ। अच्छा, उसका कुछ हलचल हो रही है? कुछ नहीं। हाँ सर, अभी एक्चुअली ना वो विदल्ट किया है, कल ही किया है उसको विदल्ट। अभी रोका गया है एनरोलमेंट। रोका गया एनरोलमेंट? हाँ। क्यों, रीजन? रीजन बता दूं सर, आपको झटका सा लगेगा। नहीं, बताओ। दिक्कत, अभी गवर्नमेंट चाहती है वो रोटेशन ऑफ ड्यूटीज लागू करना। रोटेशन ऑफ ड्यूटीज? हाँ। अच्छा, जैसे ऑफिसर्स का होता है ना, वही वाला। तो उसमें एक आदमी ना लेके तीन आदमी लेंगे, उनको एक को 5 साल पे रिटायर कर देंगे, एक को 10 पे कर देंगे। अच्छा। एक को 15 पे, वो वाला ना। हाँ। वो वाला तो वो चाहते हैं इसी से वो करना इसको इम्प्लीमेंट। अच्छा, ये भी उसे। हाँ, तो अभी जो हम लोगों ने फिर प्रपोजल दिया है। हाँ। कि भाई अभी जो इनरोलमेंट में जो लोग आ रहे हैं, उन्होंने तो ऐड जो देखा था वो पुराना देखा था। हाँ, तो ऐसे तो कोर्ट केस हो जाएंगे, तो इसको अब की बार जाने दो। हाँ। अगली बार से करना। अच्छा। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से ओके नहीं मिला है। हाँ। इसीलिए इनरोलमेंट लिस्ट नहीं आई। हाँ। इसीलिए सब चीज अभी ठंडे बस्ते में, मंडे या ट्यूजडे डिसाइड होगा। अच्छा, जैसे वो मुझे बताना प्लीज। ठीक, बता दूंगा, चिंता मत करो सर। प्लानिंग इनका ये कर रहे हैं कि भाई मतलब किसी को 5 साल में रिटायर करना, किसी को 10 साल में करना, किसी को नहीं। अभी क्या है, जैसे अभी वैकेंसी हमारे पास कितनी है, 5200 वैकेंसी है एक साल में। तो 5200 ना लेके 17,000 लेंगे। 17,000? हाँ, 1700। तो 17,000। 17,000? ओके। हाँ, 5200 ना लेके 17,000 लेंगे। हाँ। तो उनमें मतलब एक वैकेंसी के बजाय तीन आदमी आएंगे। हाँ। एक की जगह पे। अच्छा। तो उनमें से एक आदमी को 5 साल में रिटायर करेंगे। हाँ। एक को अगले को कर देंगे 10 में। हाँ। तीसरे को 15 पे। अच्छा, तो गवर्नमेंट। हाँ, ऑफिसर्स का होता है। हाँ, वही टूर ऑफ ड्यूटीज कहते हैं उसको। अच्छा। हाँ, तो उसके गवर्नमेंट उसको प्लान करना चाह रही है। अच्छा। तो अभी इसी बार से कोशिश कर रहे हैं, तो लेकिन हमने दिया है इसको, भाई इसमें मत करो। हाँ। तो अब ये ट्यूजडे शायद आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली वहां से इसका प्रपोजल। हाँ, मतलब हमें, हमने गो अहेड मांगा है कि इसको चलने दो। अच्छा, इनको एनरोलमेंट जो किया, इनको पुराने उससे चलने दो, आगे वाले। हाँ, आगे वाले में कर लेना। हाँ, तो इसलिए, लेकिन अभी देखते हैं सर। चलो, जैसे हो रहा है सब बताना मुझे प्लीज। चिंता मत करो सर, मेरे पास आपका नंबर सेव है। ओके सर, जय हिंद सर। तो भली बात ही, आप सभी ने ऑडियो सुन लिया होगा। इसमें हम बात करेंगे क्या ऑडियो की सच्चाई कितनी परसेंट तक सही है। उससे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए, यदि आप सभी लोग एयरफोर्स नेवी एनडी की तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट अटैम्प के लिए, तो आप सभी लोग अनअकैडमी पर जाकर एक कोड यूज करें जिसका नाम है TOP50, जहां पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और यदि आप लोग 10% डिस्काउंट और लेना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो आप सभी लोग इस नंबर पर SMS करें या फिर कॉल करें, उसके बाद अपना कोड यहां पर जो आपको सारी बातें हमें इस पर बता देंगे आप सभी को, तो आपको हम 10% अपने आप से आपको पे कर देंगे। यदि दोस्तों आप लोग फ्री में या फिर पेड क्लासेस लेना चाहते हैं, जैसे कि आप लोग इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, CDS, किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी पर जाकर आप फ्री और पेड क्लासेस ले सकते हैं। तो आपको एक कोड यूज़ करना होगा जिसका नाम है TOP50। TOP50 आप कोड यूज़ करें और आपको यहाँ पर फ़ायदा मिल सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर यदि आप लोग पेड कोर्स परचेस करते हैं अनअकैडमी पर, तो यहाँ पर आपको 12 महीने का कोर्स लेने पर आपको 2 महीने फ्री और 24 महीने का कोर्स लेने पर 4 महीने फ्री मिलते हैं, जो कि ऑफर है 31 अगस्त तक के लिए। और यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक बहुत सुप्रसिद्ध बैच है आज़ादी NDA सेकेंड बैच, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि 1500 से ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं अनअकैडमी ने लास्ट टाइम, और यहाँ पर जो बैच स्टार्ट है 15 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हो चुका है, तो आप लोग इसे ले सकते हैं। और साथ साथ आपको यहां पर मिल जाते हैं आपको एयरफोर्स का ब्राइट बैच, जो कि एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए, साथ में आपका नेवी में भी काम करेगा, जिसमें आपको बता दें कि नेवी अनअकैडमी ने लास्ट टाइम 250+ सिलेक्शन दिए हैं इस एयरफोर्स में। तो यहां पर आपको बात कर देते हैं कि आपको यहां पर 20% का कॉम्बो ऑफर चल रहा है, यदि आप लोग NDA एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाई ग्रुप नेवी के लिए खरीदते हैं, प्लस में SSB इंटरव्यू खरीदते हैं, तो आपको यहाँ पर कॉम्बो ऑफर चल रहा है। SSB में आपको 20% डिस्काउंट और 10% का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाए यहाँ पर एजुकेटर कोड से, जो कि आप कोड यूज़ करेंगे जिसका नाम है TOP50। TOP50 कोड यूज़ करें और आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा।
तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक कोड यूज़ कर लेना है। कोड का नाम बता देता हूँ मैं आपको, टॉप 50 नाम का कोड है, टॉप 50 कोड यूज़ करें और यहाँ पर आप 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो वायरल ऑडियो है उसमें कितनी सच्चाई है, कहाँ तक इसकी बात सच है और कहाँ तक इसकी बात झूठ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं जो 5 साल 10 साल और यहाँ पर आपका 15 साल है, इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि आपकी जो वैकेंसी है, ठीक है, जो आपकी वैकेंसी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे कि इसमें बताया गया कि लगभग 5200 वैकेंसी है तो इसकी 3 गुना वैकेंसी हो जाएंगी, तो ज़्यादा कैंडिडेट को चांसेस मिलेगा जो कि रह जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप सभी के लिए इसमें क्या फ़ायदा होगा दूसरा। तो दूसरा इसमें होगा कि सरकार, ठीक है, इसमें एक पेंशन वाला हिसाब रखा जाएगा कि जो पेंशन है आपको किस प्रकार से दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर ये वाली पेंशन है, 15 साल वाले जो ड्यूटी करेंगे उसको लगभग 75%, 10 साल वालों को 50% और यहाँ पर 5 साल वालों को 10 से 20% इस टाइप की यहाँ पर पेंशन रखी जाएगी, जिससे कि सरकार को काफ़ी फायदा मिलेगा क्योंकि सरकार डिफेंस बजट में जो पेंशन वाला रपड़ा है वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पेंशन देनी पड़ती है, इसकी वजह से ये पेंशन कम की जाएगी। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप सभी के लिए, एक दो बेनिफिट हो चुके हैं, तीसरा बेनिफिट ये होगा कि जो पोस्ट आपके पास कम होती है पोस्ट बढ़ जाएंगी, सरकार को एक दबाव कम हो जाएगा कि हाँ ज़्यादा कैंडिडेट को यहाँ पर हम नौकरी दे रहे हैं। दूसरा ये होगा कि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जॉब करने के बाद अपना आलस हो जाते हैं, अपने आप पर मेहनत नहीं करते हैं, वो लोग अपने आप पर मेहनत करेंगे और अपना फाइट में बने रहेंगे और अच्छा काम करेंगे जिससे कि उनको प्रमोशन या फिर वो लंबे टाइम तक वहाँ पर टिक सकें। दोस्तों ये फायदे होने वाले हैं आप सभी के टूर ऑफ ड्यूटी से, ठीक है। ये सच है या फिर क्या है सारी बातें आने के बाद ही पता होगा कि आपकी एनरोलमेंट लिस्ट और रिजल्ट जब आएगा। तो दोस्तों आई होप समझ गए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।